मधुबनी जिले के बेनीपट्टी मुख्यालय के शहीद भवन में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और डीआरडीए मधुबनी के द्वारा 7 मार्च से चल रहे डी क्राफ्ट टेक्निकल प्रशिक्षण शिविर से महिलाएं काफी दक्ष और कुशल बन रही है। इसके तहत महिलाओं को बांस कमाची से बनाए जाने वाले वस्तुओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इस दौरान प्रशिक्षण का जायजा लेने पहुंचे प्रशिक्षण के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी प्रमोद कुमार व आनंद मोहन चौधरी ने बताया कि वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार तथा डीआरडीए मधुबनी के द्वारा महिलाओं को हस्तशिल्प में दक्ष व कुशल बनाने को लेकर महादलित परिवार के 20 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरा नाम मनोज कुमार मल्लिक है। कौन से डिपार्टमेंट से ये प्रशिक्षण दे रहे हैं? ये वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार हैंडीक्राफ्ट की तरफ से हो रहा है। हम ट्रेनर हैं बांस कला में, हम राज्य पुरस्कार प्राप्त है बांस कला शिल्प में। ये कार्यक्रम 4 महीने का है जो 6 मार्च से चल के 7 जुलाई तक चलेगा। और ये आइटम है, तरह तरह के आइटम है, बैम्बू में पेन स्टेन है, फ्लाई सीनरी है और पेन स्टेन है और तरह तरह का। ये अभी एक महीना चला है।